हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं भारत देखो, भारत देखो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ऐसा जगह जो आप सोच नहीं सकते हैं कि पटना में अभी तक पीएम मॉल या और भी मॉल देखे होंगे, लेकिन अब तक का सबसे रिकॉर्ड बड़ा पीछे देख रहे हैं सिटी सेंटर मॉल, जो सबसे बड़ा मॉल है। आए ऐसा मॉल है जो आपको सब कुछ मिल जाएगा और देख यहाँ घूमने में इतना समय लग जाएगा फ्रेंड्स, जो अब तक देखा नहीं होगा इतना बड़ा पटना मॉल घूमने लायक होगा। आज हम इसी के बारे में रिव्यू और लोगों से बात भी करेंगे और आपको पूरा मॉल भी दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं बाहर से कि काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले लगा हुआ है जिसपे एनिमल्स का वीडियो चल रहा है फ्रेंड्स, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहला दिन ही आज आप बहुत सारा लोग यहाँ पे हज़ारों में पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं अब पहले दिन में ही काफ़ी लोग यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। काफ़ी अच्छा शानदार इसका नज़ारा रहा है। अभी हमको बाहर से दिखा रहे हैं फिलहाल, अभी हम अब कुछ देर में अंदर चलेंगे और बढ़िया से आपको इसके बारे में बतलाएँगे और दिखाएँगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम अंदर ग्राउंड में आ चुके हैं और ग्राउंड में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। या देख सकते हैं सामने में सिटी सेंट्रल भी है और सामने अंबुजा का सिटी सेंटर का लोगो, और ऊपर देख सकते हैं एक थिएटर जैसा एक एनिमल्स वीडियो भी चल रहा होगा आप देख सकते हैं, जो काफ़ी अपने काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। एक नहीं दो दो डिस्प्ले लगाए गए हैं और जितने भी कंपनी यहाँ ब्रांडेड कंपनी है उसके भी यहाँ पर लग रहा है पोस्टर लगाए हुए हैं, और यहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था है। बाकी बहुत कुछ है आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लॉक भी है जो टाइम बताता है, लेकिन अभी टाइम फेलुअर है, अभी टाइम सही नहीं इसमें सेट किया हुआ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं लाइफ स्टाइल, वहाँ देख सकते हैं वो भी कोई ना कोई शॉप ही है जो लाइफ स्टाइल के नाम से है। तो फ्रेंड्स बाहर से तो देख लिए हैं और हम लोग अंदर से भी चलेंगे देखने के लिए। फ्रेंड्स हम अभी फर्स्ट फ्लोर पर हैं और फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं यहाँ बैठने की काफ़ी सुविधा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है। और देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम बना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यह पानी फुवारा ये है यहाँ चलता है, यहाँ अभी चालू नहीं किया लगता, चालू करके बंद किया गया है, लेकिन यह पानी फुवारा भी होता है जो देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, ये मशीन छेद हैं। और आप देख सकते हैं कि इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा डिस्प्ले, आप जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लाइटनिंग कलरफुल दो डिस्प्ले लगा हुआ है फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाएंगे। हम लोगों से भी बात करेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, आज ओपनिंग है, ओपन डे में आए हैं, पहला बार टाइम है आने का, लोगों से बात भी करेंगे कैसा लगता है। सिटी सेंटर आए हैं पटना का सबसे बड़ा मॉल में, कैसा लग रहा है कर यहाँ पे? बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे, ये नया देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। तो यहाँ जो लाइटिंग देखे आप, लाइटिंग वाटर वाला कैसा लगा आपको? ये एकदम एंटिक लग रहा है यहाँ के लिए, हम लोग पहली बार आपको देखने को मिला पटना में, पहली बार देखने को मिला और यहाँ खुशी मिल रहा है। मॉल घूमे ठीक से? मॉल बहुत अच्छा लगा, बहुत घूमे अच्छा। और फिर भी लग रहा है कि और भी घूमते रहे, टाइम हमको कम पड़ गया, हाँ। तो फिर आने का सोच रहे हैं? हाँ जरूर आएंगे। अच्छा, अकेले अभी आएंगे दोस्तों के साथ? नहीं फ्रेंड लोग के साथ आए हैं। कुछ शॉपिंग वोपिंग की है? हाँ कही है, मेरा ड्राइवर वहाँ पे ले गया गाड़ी पे। बहुत अच्छा लगा कि बोल रहे हैं कि एक बार घूमने में मन नहीं भरा लेकिन दोबारा आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। अभी जो आप दिखाएं आपको जो नज़ारा, अभी हम लोग अभी चढ़ेंगे ऊपर और ऊपर भी दिखाएंगे आपको कैसा है। अभी पूरी तरह से दुकान ओपन नहीं हुई है लेकिन जितना ओपन है वही आपको हम दिखाने ओपन। देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी भैया एक है जो बोल रहे हैं कि हमको भी यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप आए हैं तो कैसा लग रहा है, तो आप इनसे ही पूछते हैं कि यहाँ आपको पहली बार आए तो कैसा लग रहा है जॉब करके आप? इस जगह पे 6 महीना से, या 6 महीने से अगर बनने से पहले से ही आप यहाँ कर रहे हैं ना? अच्छा, तो देख सकते हैं कि जब यहाँ नीड रखी गई थी मॉल का तभी से यहाँ पे लगे हुए हैं, आज ये बन कर तैयार हो गया, तो आपको कैसा लगा जब पब्लिक आ रही है? सबका परिश्रम रंग लाया है, अच्छा लग रहा है आपको? ये अब मन लग रहा होगा, कहीं पहले तो मन नहीं लगता होगा अकेले के लिए दिन मन लगने के बाद है तो अभी मतलब लग रहा है, लेकिन परिश्रम पहले से ज़्यादा हो गया। हाँ तो मेहनत भी बढ़ गया है क्योंकि पब्लिक का ध्यान रखना है, और साथ साथ पहले पब्लिक का ध्यान नहीं था, अब पब्लिक का ध्यान भी रखना है। एक ऐसा स्पेशल चीज़ जो मॉल में आप कभी देखेंगे नहीं होंगे हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए हमारे सामने मॉल के अंदर ये इंडिया का पॉपुलर गाड़ी जो अम्बेसडर है ये आपको देख रहा होगा, इसे मॉडिफाई किया गया आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसका इंडिया का जगह जगह का
डिज़ाइन दिया गया है। और गौर से देखेंगे कि इस पर सिंगर्स का भी गाना और सिंगर्स का भी फोटो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल गार्ड यहाँ पर रखा गया है। लोग फिर भी लोग सेल्फी ले रहे हैं अच्छे से और काफ़ी मज़े से लग रहा है। और वेस्ट बंगाल का ये नंबर है, वेस्ट बंगाल का इसका मतलब गाड़ी भी है। और काफ़ी अच्छा बेहतरीन बात है कि कलर इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है। कम्बेजर आपने अभी तक देखा होगा कि वाइट में ही नजर आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रेड में किया हुआ है फ्रेंड्स। हम लोग अभी ऊपर जाएंगे और हमको दिखाएंगे पूरी तरह से कि क्या मज़ा आने वाला है इस मॉल का, जो पटना का सबसे बड़ा मॉल कहला रहा है। अभी तो थोड़ा सा आपको दिखाया है, लेकिन अभी पूरा चलेंगे। स्लेटर पर सीन आपको देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है चढ़ने में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉल में काफ़ी भीड़ है और यहाँ एक ब्रांड है, देखिए एडिडास का, जो सबसे क्राउड सबसे महंगा ब्रांड भी ऐसे गिनती भी आती है। और देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, अभी खाली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं लोग, आज ओपनिंग थी तो धीरे धीरे लोग, अभी अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ अभी सेटअप लग चुका है। अभी लोग अभी कुछ सजाया हुआ नहीं, कुछ ना सेल हो रही है, सिर्फ अभी सेटअप हुआ है। ऐसा बहुत ऐसे मॉल है जो अभी बंद है, ताकि अभी ओपन नहीं हुआ, ओपन होने का अभी टाइम है फ्रेंड्स। क्या कि इसका अभी देख सकते हैं ये मैक्स का है, जो आम पब्लिक के लिए होता है। अब देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, इसमें सेल चल रहा है फ्रेंड, ताकि इन्होंने आज ओपनिंग थी तो आज के ही समय से लोगों को आने के लिए अपना इनवाइट, अपना सारा प्रोडक्ट्स अपना सेल के लिए लगा दिया है। आप देख सकते हैं और भी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक भी एक इसमें एक शॉप है जिसमें लाइफ स्टाइल का शॉप है, ये भी आम पब्लिक के लिए होता है लमसम, जो हमारे कैटेगरी में फैंस आता है, अब ब्रांड नहीं है। इसमें देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पे इनका बाहर का स्टेचू है जो आप देख सकते हैं कि वो मॉडल के रूप में रखा गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और आप देख सकते हैं कि ये सामने भी एक पुतला है जो हम आपको दिखाएंगे। इस मॉल में क्या क्या नहीं देखने को मिला, एक दो अंदरूनी चीज़ जो आप चेक देखते हैं कि नृत्य कला में नृत्य पूरी तरह से लील है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में, और ऐसे बहुत कुछ हैं देखने के लिए जो आपको हम अभी दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, और सेकंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे चढ़ चुके हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हॉल में लगा हुआ है एक थिएटर, जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें भी एनिमल्स कुछ वर्ल्ड वाइड का टाइप का वीडियो चलाया जा रहा है, समुद्री चीज़ें जीव जंतु को भी दिखाया जा रहा है और लोग बड़ी बेहतरीन से इसका लुक उठा रहे हैं। और इस मॉल को देखिए इधर सब फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे भी लोग काफ़ी मज़े में हैं। और इतना अच्छा मॉल देखकर लग रहा है कि यहाँ अपना एक घर हो, एक ऐसा एकदम सजाया हुआ है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि टाइम जोन का एक बहुत बड़ा बेहतरीन ये यहाँ पर गेमिंग शो है, गेम के अलावा और भी कुछ है जो हम दिखाएँगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक टैंक चला रहा है गेम, हाँ ये 3D गेम्स है जो आप देख सकते हैं कि पटना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बच्चा इसमें बैठा हुआ है, देख सकते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल गेमिंग जोन बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गेमिंग जोन ही है, बच्चों के लिए स्पेशली बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर है, सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए, जो आप जो सोचते नहीं है कि इंडिया से पटना से बाहरों के जो मिलते हैं गेम्स, जो भी बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि इन सब गेम खेलने के लिए पटना से बाहर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर सारे अवेलेबल है इस मॉल में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गेमिंग जोन है, जो अब स्टेयरिंग है, और ये आप देख सकते हैं कि कार में जो चलाते हैं उसके स्टेयरिंग भी दिया हुआ है, स्टेयरिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं चला सकते हैं, कोई बच्चा अभी से ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं कार कैसे चलाया जाता है। फ्रेंड्स इस मॉल में खेलने के लिए बच्चों के लिए कार्ड बनती है, जो कार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्ड का शो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रेगुलर बना हुआ है 60 रुपीज़ का प्रीमियम है, 45 और हाफ प्राइस है 30 रुपया। अब इस बिना कार्ड के यहाँ पर नहीं खेल सकते हैं, और कार्ड को बनाना ही ज़रूरी है फ्रेंड, तभी बच्चा यहाँ पर खेल और गेम खेल का लुक उठा सकते हैं। और जैसे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक रेसिंग चल रही है और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये आपको हैंड पावर का ये गेम है, जितना आप पावर लगाएंगे उतना ये नंबर आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ 150 तक आपका पावर रहेगा, जितना आपका वह ताकत हाथ में है यहाँ पर आपको दिखाना होगा इसमें।
ग्राउंड फ्लोर पे ये सबसे बिजोर चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ एक फ़ोटो शूट के लिए रखा गया है स्पेशली, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और आप देख सकते हैं कि एक नहीं, इसमें चार चार पाँच पाँच जो है एक एक लुक डिज़ाइन में दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, स्पेशली फ़ोटो शूट के लिए है। लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और बहुत बिजोर इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है आपको तक का दिखाया है जब देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें देखने के लिए घूमने के लिए बहुत ऐसा कुछ है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। और इसमें सुबह में घुसिएगा तो शाम में निकलिएगा, ऐसा मॉल है। सच में कहा गया है कि पटना का सबसे बड़ा मॉल नहीं, बहुत बड़ा मॉल है। आप आइए घूमिए, ऐसा कुछ जो हम बहुत कुछ ऐसा आपको नहीं दिखाया है जिसमें आपको खुद आकर देखने की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।